कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरोली से पार्टी उम्मीदवार मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। हरोली क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी नीतियों पर भरोसा नहीं है और इसी के चलते चुनाव प्रचार के लिए बाहर से नेता बुलाए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से परेशान थी और आचार संहिता लगने के बाद से माहौल बदल चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कारगुजारी ही भाजपा को ले डूबेगी। देखिए, ये निश्चित है हिमाचल प्रदेश में 20 दिन के अंदर कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी और हर हालत होगी। जयराम सरकार को जाना है, उनके जाने का विदाई का समय आ गया है। पूरा हिमाचल में कांग्रेस की सुनामी चल रही है, जो माहौल है वो पूरी तरह चार्ज है। हम यहाँ भी जा रहे हैं, लोग जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। इसका मतलब लोग इस सरकार से बहुत बहुत नाखुश थे, बहुत परेशान थे, और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा पूरे प्रदेश का माहौल बदल गया। पतन तो जयराम की कार्यप्रणाली है जिसकी वजह से उनका पतन होगा। जो उन्होंने 5 साल की में किया है उसकी वजह से उनका पतन हो रहा है, और जब हिमाचल प्रदेश की जनता उनके पतन की दास्तान लिख रही है तो उनको स्वीकार करना चाहिए।